अभी हम आनंद कंप्यूटर पे आए हैं, मुझे एक डेस्कटॉप बनाने की सोच रहा था, तो मैंने काफी और ट्राई किया जगह जगह, तो अब यहाँ पे देखते हैं। मैंने भैया की पहले वीडियो भी देख रखी है यूट्यूब पे, तो चलिए ट्राई करते हैं। हाँ भैया बताइए, आपको क्या रिक्वायरमेंट है? भैया एक डेस्कटॉप बनवाना था। अच्छा ठीक है, डेस्कटॉप। उसमें आपको पता है क्या क्या लेना है या कुछ आप पूछना चाहते हो? नहीं है, कर रखा है पहले। हाँ। से ठीक है, तो आप मुझको बताते जाइए, क्या मैं आपको रेट दे देता हूँ। तो प्रोसेसर से शुरू करते हैं, प्रोसेसर अपने क्या रखना है? i5 12th gen। i5 का 12th gen, ठीक है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ जो आता है। अच्छा, आपको एफ वाला नहीं चाहिए जिसमें ऑलरेडी ग्राफिक्स कार्ड होता है, वो चाहिए? ठीक है, ऐसे बोलते हैं 12400। ठीक है ओके। मदरबोर्ड पे आ जाते हैं, मदरबोर्ड आसुस का Z790P। Z790P। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन अपने पास होते हैं, वाईफाई भी ले सकते हैं, बिना वाईफाई वाला भी ले सकते हैं। तो अपने विदाउट वाईफाई भी, विदाउट वाईफाई चाहिए। ठीक है, तो ये DDR5 रैम वाला आपको चाहिए, है ना? ठीक है, अब आ जाते हैं आप रैम पे। रैम आपको कितना चाहिए? रैम 16GB। 16GB DDR5। DDR5 वो बहुत बढ़िया, आपकी बहुत अच्छी मतलब चॉइस है। और SSD का बता देते हैं। SSD 500GB। 500GB चलेगा। इसमें ब्रांड कौन सा पसंद है अपने को? WD में ग्रीन और ब्लू दो ऑप्शन आते हैं, स्पीड को लेके थोड़ा अंतर होता है दोनों के। अच्छा, तो आपको कौन सा पसंद आएगा? ब्लू वाला चाहिए, हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं ग्राफिक्स कार्ड पे। ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट आपको अभी है या बाद में लेंगे आप? अभी जरूरत है, अभी चाहिए। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड आपने कौन सा चूज कर रखा है? ज़ोटेक का था 1650। एनवीडिया 4GB का ड्यूअल फैन वाला, सॉरी, आपको ज़ोटेक का 1650 चाहिए, एनवीडिया का 4GB ग्राफिक्स कार्ड, ड्यूअल फैन वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट SMPS पे। SMPS की चॉइस आपका क्या है, मतलब क्या चूज कर रखा है? 650 वॉट कूलर मास्टर भैया। कूलर मास्टर ही चाहिए। आपने सारी चीज ना चुन चुन के बढ़िया अच्छे ब्रांड में चूज कर रखी है, मतलब काफी देखा होगा। हाँ, मतलब पहले देख काफी टाइम से चूज कर रहे हो। ठीक है, अब बची आपकी एक कैबिनेट। कैबिनेट तो मेरे हिसाब से पसंद, मैं आपको एक दो मॉडल दिखा दूंगा। हाँ, अच्छा कैबिनेट आप दिखा दीजिए, वो कैबिनेट थोड़ा बड़ा हो। अच्छा, बड़े साइज का चीज, इसमें सारी चीजें हैं, जैसे कीबोर्ड माउस LED वगैरह, अभी वो बाद में देखेंगे, वो बाद में सिस्टम चेक कर लेते हैं। कैबिनेट ऐसी ले लेंगे जिसमें फैन होंगे चार, और चारों 8GB ग्लास वास, मतलब पूरा साइज बड़ा होगा, मतलब अच्छा भी लगेगा और ड्यूरेबिलिटी भी होगी। ठीक है, देखो हम आपका स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर का 12th generation 12400। तो बता देता हूँ, वैसे आपको चाहिए नहीं 12400, जो एफ आता है जिसमें ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है वो 12000 रुपए का होता है। ओके, लेकिन जिसमें ऑलरेडी ग्राफिक्स होता है, यानी आपको ग्राफिक्स कार्ड अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, तो वो आपका 14500 रुपए का होता है। ओके, मदरबोर्ड हमने लिया है आसुस का Z790P, जिसमें आपको वाईफाई चाहिए नहीं, तो आप लैन से चाहे चलाते होगे। इसका जो मॉडल पड़ता है, ये पड़ता है 22300 रुपए का। रैम 16GB में अपन XPG यूज कर ले रहे हैं। XPG अच्छा ब्रांड माना जाता है, क्योंकि ADATA ताइवान का ब्रांड है, तो बहुत बढ़िया है, ये ले सकते हैं, ये लगा दे रहे हैं हम 4050 रुपए की। SSD 500GB ब्लू आपकी चॉइस है, बहुत अच्छा, ये पड़ती है आपको 3200 रुपए की। इसमें एक Gen 4 का ऑप्शन और होता है, मैं लिख देता हूँ, अगर आपका मन हो तो आप उसको Gen 4 कर सकते हैं। Gen 4 में क्या, स्पीड थोड़ा सा फास्ट होता है, वो आपकी लगभग 6000 रुपए के आसपास की आती है WD की। ओके, लेकिन वो मैंने आपको 1TB बताया, 1TB, तो इन फ्यूचर आप अपडेट कर सकते हो। जब ज़ोटेक का ग्राफिक्स कार्ड 1650 ड्यूल फैन वाला, ये पड़ रहा है आपको 12000 रुपए, और SMPS कूलर मास्टर की ये पड़ रही 4950। एक कैबिनेट लगभग हम 3000 रुपए लिख देते हैं, लगभग जो पसंद होगा। एंटी स्पोर्ट्स का होगा तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, एंटी स्पोर्ट्स बढ़िया, लगभग हम 3000 लिख देते हैं। 2800 भी आ जाएगी, 3200 भी आ जाएगी, 3500 भी आ जाएगी, तो जो अच्छा लगेगा जो अच्छा लगेगा वो अपन ऐड कर लेंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो प्रोसेसर आपका ये 12400 14500 रुपए का, 22300 रुपए का मदरबोर्ड है, 4050 की रैम है। ये आपका 64000 का हो गया भैया। ओके, अच्छा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आपका नाम क्या है, किस पर्पज से, और आपने जो सारी चीज चूज करी, मतलब इसमें आप क्या चीज रन करेंगे, किस पर्पज से? मेरा नाम रदुल है, मैं कमला नगर से आया हूँ, मेनली एडिटिंग वगैरह के लिए। अच्छा, ये तो सारी चीज ना आपने बहुत अच्छी अच्छी चूज कर रखी है। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में छोटे छोटी चीजें ले लेते हैं, जैसे कि अब सिंपल सा सिंपल बेसिक मदरबोर्ड ले लिया, रैम। हाँ, आपने बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन चूज करी है, मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छी रेट दूं, क्योंकि हम लोग वीडियो में बताते हैं कि बेस्ट रेट देंगे, लोएस्ट रेट देंगे, अच्छे से अच्छा प्राइस देंगे, जो आपको कहीं ना मिला हो वो देंगे। तो क्या आपको लग रहा है, एक बार देखो, मतलब रेट मैंने अच्छा दिया है, ठीक है, तो आगे प्रोसेस? रेट तो सही लग रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी और भी मैंने मार्केट में ट्राई किया, तो रेट तो बेस्ट लग रहा है मुझे। चलो, ये कांग्रेचुलेशन, अभी थैंक यू सो मच। ओके भैया, तो भैया आए कमला नगर से, इन्होंने अपनी एक रिक्वायरमेंट बताई है, अपना खुद का ही कॉन्फ़िगरेशन बताया, तो हिसाब से हम एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं इनका, तो एक बार देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या लगा रहे हैं। एक तो हम लगा रहे हैं i5 का 12th generation 12400, इसमें 12400 एफ भी आता है, इसमें ग्राफिक्स कार्ड जरूरी होता है, लेकिन 12400 लगा रहे हैं क्योंकि शायद इनको आगे कभी और काम होगा, हो सकता है
ग्राफिक्स कार्ड हटा दें, हो सकता है ग्राफिक्स कार्ड अच्छा ले लें, तो ये प्रोसेसर लगा रहे हैं। बोर्ड इन्होंने बहुत अच्छा पसंद किया है, आसुस का Z790P CSM एडिशन है। ये बहुत हैवी मदरबोर्ड होता है, DDR5 सपोर्ट करता है, इसमें LED वगैरह और सब कुछ है। i7 i9 तक शायद इनका प्लान होगा कि i9 पे लेके जाएं, तो मदरबोर्ड इन्होंने अभी अच्छा लगाया है। इसी मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत अच्छी SMPS चूज करी है, कूलर मास्टर का 650 80 प्लस ब्रॉन्ज होती है। तो बहुत अगर ये 4050 या 4060 ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो उन्होंने अभी से ही SMPS को बहुत अच्छा चूज कर लिया है, बहुत अच्छी इनकी चॉइस है। इसके बाद इतने लगाया ग्राफिक्स कार्ड 4GB GTX का आपका 1650 है। ये इसको कम लगाने की वजह यह है कि आगे इनका प्लान है कि अपने ग्राफिक्स कार्ड को बहुत अच्छा लेके जाएंगे, इसलिए ना बेस बहुत अच्छा किया है और ग्राफिक्स कार्ड को भी सिंपली एक साल के लिए सिंपल सा लगा रखा है। DDR5 लगा रहे हैं, 16GB रैम भी इसका बढ़ाने का इरादा है, लेकिन अभी बजट के चलते ना 16GB से शुरुआत कर रहे हैं। ये 5200 MHz की रैम होती है, स्पीड इसकी DDR4 के मुकाबले दोगुना ज्यादा होता है। WD की SSD नॉर्मल लगा रहे हैं, इनका भी प्लान है कि आप 2TB की सैमसंग की जनरेशन 4 वाली SSD लगाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने ये लगा बजट के चलते हुए। तो कुछ चीजें इन्होंने बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन की ली है, कुछ चीजें इन्होंने बेसिक ली है जिससे कि आगे इसको बढ़ा सके। तो सिस्टम इनका 64,000 में फाइनल हो गया है। एक कैबिनेट है भी आप दिखाते हैं, तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, बनाते देखते कैसा बिल्ड बनता है। कैबिनेट इनकी आ गई है, कैबिनेट इन्होंने पसंद करी है IS170। दोस्तों दो दिन पहले हमने सिस्टम बेचा था, उसमें लगाई थी हमने IS110, वो भी बहुत अच्छी कैबिनेट थी, पसंद की जाती थी। ये IS170 है, ये देख लेते हैं इसका लुक कैसा है। IS110 में जो एक मेन डिफरेंस है वो इसका फ्रंट का, उसके अंदर फ्रंट में सिंपल जाली थी, लेकिन इसमें टफन ग्लास है। ग्लास के अलावा इसमें आपका वेंटिलेशन के लिए पूरा खुला हुआ एक जगह दे रखी है, तो आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। सेम 4 फैन है, 3 आगे है एक पीछे है। SMPS और हार्ड डिस्क का अलग चैम्बर है बड़े साइज में। ऊपर आपका कूल वेंट दे रखा है, अगर आपको लिक्विड कूलिंग भी लगानी है तो इसके लिए भी जगह दे रखी है, लगा सकते हैं। सारे बटन ऊपर हैं, 2.0 3.0 माइक का, स्पीकर का, रीसेट स्विच और पावर स्विच ऊपर है। तो ये बहुत अच्छा कैबिनेट है, एक बार अंदर से देख लेते हैं। ये ग्लास है, टफन ग्लास। ग्लास से क्या होता है, अंदर जो भी लाइट्स जलती हैं उसका बहुत अच्छा लुक आता है। तो ये कैबिनेट का लुक है, बहुत मजबूत है, पसंद की जाने वाली, ब्रांड अच्छा है एंटी स्पोर्ट्स का। पीछे भी आप देखते हैं SMPS के अलग चैम्बर है, उसके लिए भी अलग से फैन दे रखा है। तो ये सिस्टम तैयार करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। बोर्ड देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बोर्ड को खोलने से, बोर्ड किस तरह की पैकिंग क्या आता है इसके अंदर। ये इस तरह की लुक में आता है, ये इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये पूरा मेटल की शील्ड है, ये 4 एल्युमिनियम का दे रखा है, ये लुक है इसका। 4 इसमें DDR5 के स्लॉट होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड के 4 स्लॉट होते हैं, आप कार्ड भी लगा सकते हो, ग्राफिक्स कार्ड 2 एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, 3 आप NVMe SSD लगा सकते हो, 4 SATA के स्लॉट हैं, हार्ड डिस्क SSD एक्स्ट्रा लगा सकते हो, USB फ्रंट के भी स्लॉट दे रखे हैं। पीछे देखते हैं तो इसमें आपका DP पोर्ट और HDMI पोर्ट दे रखा है, USB 3.0 के पोर्ट है, 2.0 के 4 पोर्ट हैं, और PS2 जो पुराने जमाने कीबोर्ड माउस आते थे वो भी लगा सकते हो। एक LAN का पोर्ट है गीगाबिट का, और 10 चैनल का साउंड कार्ड है इसके अंदर। तो ये लुक है इसका प्यारा सा, अल्ट्रा ड्यूरेबल प्राइम सीरीज है, तो आसुस का मदरबोर्ड में कोई मुकाबला नहीं है, बेस्ट मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर है। तो ये मदरबोर्ड देख लिया हमने, बहुत शानदार है, आप इस सिस्टम को कितने भी ऊपर तक अपडेट करा सकते हो, हर चीज के लिए रेडी है। अब प्रोसेसर खोल लेते हैं, ये है प्रोसेसर 12400, सिंपल फैन के साथ आता है। अगर आपको और ज्यादा गेमिंग वगैरह या आप 24 घंटे चलाने वाले लोग हैं आप, तो अलग से आप इसमें एक्स्ट्रा एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग लगा सकते हो, लेकिन बाकी चीज के लिए जैसे इनको चाहिए तो उसके लिए बेस्ट है। तो ये प्रोसेसर है अपना, इसे खोल के देख लेते हैं कैसा होता है। ये जैसे इंसान का दिमाग होता है उस तरह से प्रोसेसर होता है। तो शुरुआत में सबसे पहले हम प्रोसेसर को लगाने से ही कर लेते हैं, सबसे सेंसिटिव और ध्यान देने वाला काम है, लगा देते हैं। प्रोसेसर को लगाते समय कट का ध्यान देना ही चाहिए, नहीं तो प्रोसेसर महंगी चीज है, थोड़ी सी गलती से पिन मुड़ सकती है। भैया तरीका कैसे होता है इसका पिन लगाने का? कट है अच्छा। इधर एक छोटा कट है, इधर बड़ा कट है, कट से। ओके प्रोसेसर लग गया, बड़ी मजबूत पैकिंग दे रखी है इसकी। हाँ ऐसा ना कि सील पैक आते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कई ऐसी जगह क्या करते हैं, खोल के यूज करके वापस रख चेंज कर देते हैं। हाँ। तो इसलिए पैकिंग का बहुत ध्यान रखते हैं, सील इस तरह से लगाती है कि खुले तो फिर पैक ना हो, टेम्पर्ड हो। तो ये इसके साथ आता है एक मैनुअल। मैनुअल में क्या है कि इसमें कुछ अपने एडवर्टाइजमेंट है कि कंपनी और क्या क्या बनाती है, थोड़ा बताया है इसके बारे में। ये एक वारंटी कार्ड है और इसको लगाने का तरीका है, एक यूजर मैनुअल है सिंपल जो होता है, और ये ग्राफिक्स कार्ड है जो इन्हें पसंद किया है। इन्हें जो पसंद किया है ये डबल फैन वाला 1650 ग्राफिक्स कार्ड है। दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि इतना अच्छा मदरबोर्ड लेने के बाद, इतना अच्छा प्रोसेसर लेंगे, ग्राफिक्स कार्ड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनको आगे अपग्रेड कराना है। तो इनका जो प्लान है वो 4050 का, लेकिन बजट के अभी ना होने की वजह से 1650 से स्टार्टिंग की है। और ये है आपका 16GB DDR5 रैम, हंटर करके आता है, ये 5200 MHz की होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी DDR4 के मुकाबले दुगनी होती है।
तो देख सकते हैं इस बोर्ड में चार रैम के स्लॉट हैं, तो आप चार रैम लगा सकते हो। तो 16 16 16 16 करके आप इसे 64 GB या 32 GB करके आप इसे 128 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। और ये आपकी SSD, इनका आगे प्लान है SSD को ब्लैक एडिशन में लेने का, सैमसंग की 990 प्रो लेने का। तो अभी इन्हें सिंपल ब्लू वाला मॉडल लिया हुआ है, तो इसको यहाँ लगा देंगे। ग्राफिक्स कार्ड हो गया, रैम हो गया और पावर सप्लाई, मेन चीज़ है पावर सप्लाई। इनको सबको अच्छा पावर मिलेगा तो सिस्टम अच्छा चलेगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और आगे अगर इनको अपडेट करना है तो अभी से इन्होंने 650 वाट का पावर सप्लाई लिया, ब्रांड भी अच्छा चूज़ किया है। ये मैनुअल है, ये इसकी पावर केबल है और ये है कूलर मास्टर का 650 वाट का पावर सप्लाई। ओके दोस्तों, सारे सामान देख लिए गए हैं, सब खोल के देख लिया किस तरह का है, तो अब इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। ये है मदरबोर्ड, ये ग्राफिक्स कार्ड और ये तो रही गया। भैया का रेडी हो गया है, जैसा अभी बताया था सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी गई है, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन बनाया है। तो भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सिस्टम आपका रेडी हो गया। थैंक यू भैया, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल करना, अच्छा लगे तो दोस्तों को बताना। बिल्कुल भैया, ओके भैया, थैंक यू, ओके। सी बन गया है, अच्छा लगा बिल्कुल, भैया का नेचर वगैरह भी अच्छा था। तो अब अगली बार बिल्कुल और कुछ बनवाना होगा तो भैया के पास ही आएंगे, आनंद कंप्यूटर। थैंक यू भैया का नेचर तो अच्छा था, बात करने का तरीका वगैरह अच्छा, डिस्काउंट भी दिया भैया ने और कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अच्छे लगाए हैं भैया ने, बिल्कुल अच्छी प्राइस।